जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन जब भारतीय टीम के खिलाड़ी होते चले जा रहे थे आउट, तो फिर मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने इस तरह से संभाला भारतीय टीम का मोर्चा कि देखने के बाद पूरा भारत देश का जीत लिया दिल। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार भारतीय टीम के मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने कैसी बल्लेबाजी आज चौथे दिन के मुकाबले के दौरान करी और किन बल्लेबाजों की वजह से भारतीय टीम अभी भी मैच में बनी हुई है। तो पूरी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में चौथे दिन से जुड़ी हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि जब श्रेयस अय्यर कर रहे थे बल्लेबाजी तो उनका विकेट चटकाने के लिए न्यूजीलैंड टीम के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने की एक ऐसी हरकत की देखने के बाद आग बबूला हो गया पूरा भारत देश। तो दोस्तों आखिरकार क्या ये बीच मैदान पर वाक्य हुआ था इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे और भी जो मैच से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी जानने वाले हैं। तो आप सभी इन खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम चौथा टेस्ट मुकाबला जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है जहां पर आज यानी कि रविवार 28 नवंबर को इस मुकाबले का चौथा दिन है। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम ने आज अपने तीसरे दिन के खेल के आगे शुरू किया जहां पर भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 14 रन बना लिए थे और आज 14 रनों से आगे खेलना भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शुरू किया। जी हां दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि तीसरे दिन मुकाबले के दौरान शुभमन गिल तीन गेंदों में ही मात्र एक रन बनाकर आउट हो गए थे जहां पर उनको काइल जेमिसन ने आउट किया। तो वहीं आज के इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर से मैदान पर उतरे जहां पर उम्मीद थी कि मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम की पारी को संभालेंगे और दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर जरूर भारतीय टीम के स्कोर को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। दरअसल यहां पर चेतेश्वर पुजारा जो कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे उनके बल्ले से आज एक बार फिर से रन निकलते हुए दिखाई नहीं दिए जहां पर चेतेश्वर पुजारा 33 गेंदों में मात्र 22 रन बनाकर आउट हुए और अपनी 22 रन की पारी में चेतेश्वर पुजारा ने तीन चौके तो लगाए लेकिन उनको काइल जेमिसन ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम ब्लेंडन के हाथों कैच आउट कर दिया जिसके चलते भारतीय टीम को यह दूसरा बड़ा झटका चेतेश्वर पुजारा के रूप में लगा। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे अजिंक्य रहाणे जहां पर अजिंक्य रहाणे और मयंक अग्रवाल काफी सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे और दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे थे कि भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते रहना चाहिए जिससे कि अगर कोई विकेट भी गिरे तो भारतीय टीम पे इतना दबाव न पड़े। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि अजिंक्य रहाणे जो कि पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान है वो अपना विकेट गवा देंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर अजिंक्य रहाणे मात्र 15 गेंदों का ही सामना कर 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे जिसके चलते भारतीय टीम को ये तीसरा सबसे बड़ा झटका लगा जहां पर अजिंक्य रहाणे को अजाज पटेल ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर LBW आउट किया और यहां पर भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों यहां पर अब तारीफ करनी होगी मयंक अग्रवाल और श्रेयस अय्यर की। जब शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद ये मैदान पर उतरे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के स्कोर को आगे ले जाने की पूरी पूरी कोशिश की। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि मयंक अग्रवाल जो कि बढ़िया बल्लेबाजी लय में चल रहे थे वो मात्र 17 रन बनाकर ही आउट हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों यहां पर मयंक अग्रवाल को टिम साउदी ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम लेथम के हाथों कैच आउट करवाया जिसके चलते भारतीय टीम को ये चौथा बड़ा झटका लगा जहां पर मयंक अग्रवाल 53 गेंदों में मात्र 17 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई इस मुकाबले में नजर आई। हालांकि फिर पारी को संभाल लिया श्रेयस अय्यर जहां पर इन्होंने बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाया, जैसा कि आप सभी यहां पर लाइव स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि अभी कौन बल्लेबाज कितने रन पर खेल रहा है। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला चौथे दिन ही खत्म हो जाएगा या फिर भारतीय टीम के बल्लेबाज कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम के यहां पर केवल 51 रन के स्कोर पर ही 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। तो ऐसे में दोस्तों अब आपकी क्या राय, आप अपनी कीमती राय और विचारों में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है गिल अपना विकेट गवा देंगे। दरअसल दोस्तों आज शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम को तीसरे दिन सबसे बड़ा झटका लग गया जो कि भारतीय टीम के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि यहां पर शुभमन गिल ने पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाया था और आज उनको काइल जेमिसन ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर आउट कर दिया जहां पर मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा के ऊपर है। बाकी अब आपकी क्या राय है आज के इस मैच के बारे में और आप अक्षर पटेल की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है
दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शनिवार को खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन खत्म हो गया, जहां पर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड टीम को 296 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने का कारनामा किया और अक्षर पटेल के अलावा रविचंद्रन अश्विन ने तीसरे दिन के मुकाबले के दौरान 3 बड़ी सफलताएं हासिल करी। तो वहीं उमेश यादव और रविन्द्र जडेजा को 1-1 सफलता मिली। हालांकि दोस्तों भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को काफी कम रनों के स्कोर पर तो रोक दिया और ऐसे में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 63 रनों की बढ़त न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर हासिल कर ली थी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आज चौथे दिन का मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा है, जहां पर ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल सुमन गिल को काइल जेमिसन ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया, जिसके चलते गिल 3 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में गिल से काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि वो दूसरी पारी में भी अर्धशतकीय पारी खेलेंगे या फिर एक शतक भी ठोक सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर उनका 1 रन पर ही आउट हो जाना भारतीय टीम के लिए काफी बड़ा झटका था। और ऐसे में दोस्तों पारी को संभाले हुए मयंक अग्रवाल और चितेश्वर पुजारा ने, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अभी तक शानदार बल्लेबाजी करी है। बाकी आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड देख सकते हो कि किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। और ऐसे में दोस्तों अब चौथे दिन भी हर किसी को यही उम्मीदें होंगी कि मयंक अग्रवाल और चितेश्वर पुजारा तो अच्छी बल्लेबाजी करें ही और साथ में मिडिल ऑर्डर का भी साथ अब इन बल्लेबाजों को मिलता हुआ दिखाई दे, जहां पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी बड़े रन की आवश्यकता है। उम्मीद होगी कि वो अच्छी बल्लेबाजी करें। बाकी दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या चौथे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजी कर भारतीय टीम की लीड को 300 या फिर 300 के पार ले जा पाएंगे या फिर नहीं चौथे दिन के मुकाबले के दौरान। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, पंजाब किंग्स ले सकती है बड़ा फैसला, नीलामी से पहले किसी भी खिलाड़ी को रिटेन करने की संभावना नहीं। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स जिन्होंने पिछले सीजन में खराब प्रदर्शन किया था, इस बार इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की मेगा नीलामी से पहले अपने किसी भी खिलाड़ी को रिटेन वो नहीं कर रहा है, जहां पर इस बात की जानकारी शनिवार को एक रिपोर्ट के माध्यम से शेयर की गई है। जबकि अधिकांश फ्रेंचाइजी मेगा नीलामी से पहले अपने 4 प्रमुख खिलाड़ियों को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, इसके साथ एक नई शुरुआत करने का विचार कर रही है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि विशेष रूप से सभी मौजूदा 8 फ्रेंचाइजी को 30 नवंबर तक अपने रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की सूची जमा करने के लिए कहा गया है। उनको 2 नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद और लखनऊ की ओर से खेलने की सूची में शीर्ष पर रखा गया है। और ऐसे में दोस्तों अभी पंजाब किंग्स के लिए काफी बड़ा झटका। बाकी आपकी क्या राय है, क्या पंजाब किंग्स ये सही फैसला ले रही है किसी भी खिलाड़ी को रिटेन ना करने का? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।